वेलकम बैक टू बी फार्मेसी इंडिया लाइव तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आर जी के जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए आपका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो इस एक सब्जेक्ट से आपके कौन कौन से ऐसे बेस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन है जिनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर जी एग्जाम के लिए आपके एच के बेस्ट ट्वेंटी क्वेश्चन विद आंसर तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते सकते हैं और ये जो क्लास है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा टेलीग्राम पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कराया गया है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा तभी आपको ये पी मिल पाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ सवाल है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग तो आपको कुछ इस तरीके से सवाल वहां देखने के लिए मिल सकता है और ये नंबर मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी भी फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है या तो आपसे दो वो दे देंगे या आपको सारे के सारे ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये आपको दे देंगे कि इनको एक्सपेंड करिए इनकी फुल फॉर्म बताइए तो सबको एक ही साथ मैंने कलेक्टिवली लिख लिया है स्टार्ट करते हैं एक एक करके एएनएस की फुल फॉर्म होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ईसीजी सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसके बाद अगला हमारे पास है ईएसआर यानी कि इराइथ्रोसाइट इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट सेडिमेंटेशन रेट और स्पेलिंग्स का भी अच्छे से ध्यान रखेगा और नंबर कट सकते हैं भाई स्पेलिंग पे चलिए आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल इसके बाद जी आई टी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्लियर तो ये हमारे पास पांच शॉर्ट फॉर्म्स थी पांच फुल फॉर्म्स थी इनको याद करके जरूर जाइएगा नेक्स्ट सवाल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है क्या होता है कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कहां से कहां मतलब हर एक चीज आपको इसमें अटेम्प्ट करना है डिपेंड करता है कि ये कितने नंबर में आपसे पूछा गया है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी वेव्स होती हैं कब वो जनरेट होंगी कहां से कहां तक जाती हैं ठीक है तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे विद देयर ड्यूरेशन जैसे सबसे पहले हमारे पास है पी वेव पी वेव जो होती है उसका जो कारण है बनने का वो है ओरिया का जो आपके ऑरिकल्स होते हैं उनका डीपोलराइजेशन यानी कि सिस्टोर जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है अराउंड जीरो पॉइंट वन सेकेंड इस तरीके आप आप से आप लोग टेबलर फॉर्म के अंदर अगर लिखकर आइएगा देखिए मैं आपसे हर एक क्लास के अंदर यही कहती हूं कि आपको पैराग्राफ राइटिंग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना है ठीक है आप पॉइंट्स में लिखकर आ सकते हैं टैबुलर फॉर्म्स के अंदर लिखकर आ सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर लिखकर आ सकते हैं इससे आपकी जो कॉपी है वो भी अट्रैक्टिव भी लगेगी चेक करने वाले को भी मजा आएगा है ना चीजें क्लियरली दिखाई देंगे अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आता है दैट इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टार्ट होता है क्यू से और जाता है एस तक ठीक है क्यों ये शुरू होगा क्योंकि जो आपके वेंट्रिकल है वो डीपोलराइज होते हैं वो सिस्टोल शो करते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो अराउंड 0.08 सेकंड से लेकर 0.1 सेकंड तक होगा टाइम ड्यूरेशन नेक्स्ट वेव टी वेव होती है वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से ये वेव जनरेट होंगी नॉर्मली हमारे पास ये तीन ही वेव्स होती हैं ठीक है टी QRS एंड थर्ड इज T जो T वेव का टाइम ड्यूरेशन होगा वो 0.2 सेकंड होगा इसके बाद कुछ इंटरवल्स होते हैं जैसे कि पहला हमारे पास है PR इंटरवल कहां से कहां जब P शुरू होगा और Q एंड होता है PQ इंटरवल इसको हम बोलते हैं तब तक ये होगा क्या कारण है इसका होने का वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से होगा और कंडक्शन एवी नोड के थ्रू यानी ऑट्रियो वेंटिकुलर नोड के थ्रू जब कंडक्शन होता है तब ये आपके पास जो पी आर सेगमेंट है पी आर इंटरवल है ये शो होगा इसके बाद टाइम ड्यूरेशन इसका होगा जीरो पॉइंट वन एट सेकेंड तक नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूटी इंटरवल क्यूटी इंटरवल भाई क्यू से शुरू होता है टी में खत्म हो जाता है जाकर कारण क्या है इसका वेंट्रिकल्स के अंदर जब आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं उस समय पर आपको ये दिखाई देगा और इसका ड्यूरेशन होता है 0.4 पॉइंट से लेकर जीरो पॉइंट तक लास्ट इज एस सेगमेंट एस सेगमेंट एस से शुरू टी पर खत्म ठीक है ये होगा इसके बाद आइसो होगा ये और 0.08 सेकंड सेकेंड का इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है अगर आप ई को लिखने के साथ साथ इसका एक डायग्राम बनाकर आ जाओगे वेल लेबल डायग्राम तो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे मैं आपको एक बार डायग्राम बनाकर दिखा देती हूं कैसे होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है ईसीजी जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो वेव है दैट इज पी वेव इसके बाद ये होता है क्यू आर एस ये एक ही कॉम्प्लेक्स है ठीक है ये एक ही कॉम्प्लेक्स है एंड थर्ड इज टी वे सेगमेंट की बात कर लीजिए सबसे पहला पी आर सेगमेंट है यहां से लेकर यहां तक का पी आर इंटरवल आप कह लीजिए ठीक है इसके बाद क्यू टी इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक क्यू टी इंटरवल ठीक है और थर्ड इज एस टी सेगमेंट यहां से यहां तक दिस इज एस टी सेगमेंट तो ये आपके पास पूरा ई है पूरा किसी तरीके से चलेगा आपकी नॉर्मल हार्ट का जो कंडक्शन है वो इसी तरीके से चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला सवाल है डिस्क्राइब वेरियस फेजेस ऑफ मेस्टुएशन साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि प्रीवियस ईयर में मोस्टली हर एक प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है कि मेस्ट्रुअल अब अलग अलग तरीके से पूछा यह क्वेश्चन जा सकता है जैसे कि फेजेस uh, बता दीजिए मेस्ट्रेशन साइकिल के या हॉर्मोन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बता दीजिए एक डायग्राम बना दो मैं साइकिल का इस तरीके से सवाल आए हैं और हो सकता है मतलब हो सकता है क्या आएगा ही मैस्ट्रेशन साइकिल से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा चाहे एक नंबर में आए आपका तीन नंबर में, में आए पांच नंबर में आए आयना जरूर है ठीक है शुरुआत करते हैं सवाल में आपसे पूछा गया है कि जो अलग अलग फेजेस होते हैं मैस्वेशन साइकिल के वो आप एक्सप्लेन करिए ठीक है तो इसको भी मैं टेबलेट फॉर्म के अंदर ही आपको करवाने वाली हूं कैसे होता है बेसिकली चार फेजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसमें सबसे पहला जो फेज है वो है मेस्टुअल फेज मेस्टुअल फेज के दिन होते हैं थ्री टू फाइव डेज इसके अंदर होगा क्या इसमें जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग होगी वो शेड करना शुरू कर देती है वो टूटना शुरू कर देती है और विजाइना के थ्रू बाहर आना शुरू कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ठीक है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्लियर समझ आया द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सिक्रीशन ब्लड एंड अनफार्टिलाईज ओवम ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती है मेस्ट्रुअल फ्लो प्रोजेस्टोरॉन प्रोडक्शन सबसे कम हो जाता है मेस्टुएशन फेस के अंदर ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो फेज है दैट इज अ फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज का एक और नाम है phase. ये कब से कब तक होता है इसका जो डेज होंगे वो सिक्स से लेकर थर्टींथ तक होगा यानी मानकर चलिए अगर मैं अट्ठाईस दिन की साइकिल लेकर चलू तो उसमें से सिक्स डे से लेकर थर्टीन तक जो होता है आपके पास वो फॉलिकुलर फेज होता है या प्रोलिफरेटिव फेज प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है नई चीजों का बनना है ना न्यू सिंथेसिस ठीक है अब इसमें क्या होगा देखो नई चीजें बनेगी अब नई कोई नई चीज तो नहीं आएगी जो आपके पास छड़ गई थी जो मतलब पूरी तरीके से शेड हो गई थी एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो दोबारा से बनना चालू हो जाती है ठीक है एंडोमेट्रियम रिबिल्ड इस कंडीशन में जो एफ एस एच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन होते हैं वो अपने पीक पर जाना शुरू कर देते हैं ठीक है इंक्रीज इज स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट और इसी के साथ एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी धीरे धीरे हाई होना शुरू हो जाता है आपके फेस में ठीक है है थर्ड फेज फेज ओव्यूलेटरी एग्जैक्ट डे पर होगा 14 से day आप कह सकते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो तेहरा से लेकर सत्रह तक आपका ये ओव्यूलेटरी फेज होता है इसके बीच में कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है इसका क्या मतलब है ओव्यूलेशन का मतलब होता है सिक्रीशन ऑफ ओवम शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी ठीक है ओवरी से सिक्रेशन ओवम uh, का ये ओव्यट्री फेज के अंदर होगा इसमें सिर्फ क्या करना है ओविलेशन करवाना है और इसमें एल एच एफ एस एच दोनों का लेवल हाइएस्ट स्पीड पर होगा सबसे हाइएस्ट स्पीड पर एंड लास्ट फेज हमारे पास जो है दैट इज ल्यूटियल फेज जिसका एक और नाम है सिक्रेटरी फेज सिक्रेटरी फेज इसका इसीलिए नाम है क्योंकि यहां से कुछ चीजें सिक्रेट की जाती है.

सेम एज न्यूट्रियल फेस के अंदर भी होगा यहां पर इंतजार होता है पहले ठीक है अगर इंतजार नहीं आ, इंतजार करते रहे करते रहे करते रहे 24 घंटे तक इंतजार किया अगर कुछ नहीं होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंट्स बनते हैं फिर डीजेनरेट हो जाते हैं ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा प्रोजेस्टर सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टर एक आ, ऐसा हार्मोन है जिसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं जब तक इसका लेवल हाई रहेगा मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा चल एंडोमेट्रियम और थिक हो जाती है किसके लिए थिक हो जाएगी जो आ, आपका बेसिकली जो इम्प्लांटेशन होता है ठीक है तो वो तो इसी उम्मीद में रहेंगे कि अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसके लिए तैयारी करनी होती है है ना तो उसी तैयारी में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी मोटी हो जाती है थिक हो जाती है ताकि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके एंड इसी के साथ ये जो आपके यूट्राइन ग्लैंड है वो सिक्रिटरी हो जाते हैं कुछ चीजें सिक्रीट करना शुरू कर देंगे इसीलिए सिक्रेटरी फेज ठीक है जी तो ये हमारे पास है पूरा का पूरा मैस्टुएशन साइकिल आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए इससे बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ये कुछ फेजेस है सबसे पहला मैस्टुएशन फेज वो देखिए उधर से इसके बाद सेकंड फेज फॉलिकुलर ये फोर्टीन डे पर आपके पास जो होता है दैट इज ओव्यूलेटरी एंड इसके बाद लास्ट दिन तक क्या रहेगा पूरा सिक्रेटरी फेज ठीक है चलो इसमें देखो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टर के हॉर्मोन है जो ओवरी सिक्रेट करेगा एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है इन ओविलेट्री फेज लेकिन जो प्रोजेस्टरॉन है वो ल्यूटियल फेज में जाकर अपने हाई स्पीक पर जाएगा इससे पहले नहीं जाता ना इसके बाद में जाएगा इसके बाद ओविलेशन होगा इसी तरीके से एंड आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे कि एफएसएच एंड एलएच जो कि पिट्यूटरी से सिक्रेट होंगे इनका भी जो लेवल है वो यही पर हाई होता है क्लियर तो यह आपके पास है पूरी की पूरी मेस्ट्रेशन साइकिल आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एन लिस्ट ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डिस्कस दट द डिसऑर्डर्स ऑफ थाइड ग्लैंड सारे एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम लिखिए एंड इसी के साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड के जो भी डिस हैं डिसऑर्डर्स है उनके बारे में लिखना है ठीक है तो शुरुआत करते हैं हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से अब मैं सिर्फ आपको एंडोक्राइन ग्लैंड लिखवाऊंगी क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ उनसे होने वाले हॉर्मोन्स भी पूछ लिए जाएं। तो मैं आपको हॉर्मोन्स के साथ सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लिखवाऊंगी चलिए पहला हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस ये प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में ठीक है फॉर ब्रेन में यहां से बहुत सारे हॉर्मोन सिक्रीट होंगे दो तरीके के होते हैं एक होते हैं रिलीजिंग दूसरे होते हैं आपके इनहिबिटरी ठीक है रिलीजिंग में जैसे कि जी एच आर एच है यानी कि ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन इस तरीके से लिखते जाइएगा मैं बोल रही हूँ ग्रोथ हॉर्मोन रिलीजिंग हॉर्मोन वो आपसे फुल फॉर्म पे पूछ सकते हैं इसीलिए जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन ठीक है टी आर एच होता है थाइड्रोइ रिलीजिंग हॉर्मोन पी आर एच का मतलब है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हॉर्मोन

नेक्स्ट इज पैरा ग्लैंड पीटीएच यानी हार्मोन और कैलसीटोन यहां से रिलीज किया जाता है इसके बाद ये तीन हार्मोन सिक्रेट होंगे अड्रीनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कोर्टिकॉइड मिनरलो सेक्स कॉर्टिकॉइड और कैटकोलमिन सिक्रीट होते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन और फरिन आता है नॉर एपिने ठीक है इसके बाद से से होगा, से से होता है, ठीक है। ठीक तो ये आपके पास सारे के सारे ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेशंस से यानी कि हॉर्मोन्स अब मैं बात करने वाली हूं थायराइड ग्लैंड के डिसीजेस के बारे में डिसऑर्डर्स के बारे में ठीक है तो देखिए थायराइड ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है अगर इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूं इनकी डिसऑर्डर्स की या की हाशीमोटो डिसीज इसमें होगा क्या इसमें जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये हाशिमोटो डिसीज और इसकी वजह से हाइपोथाइरोडिज्म होता है क्या मतलब है हाइपोथाइरोडिज्म का यानी अगर हाशी मोटो डिसीज किसी को है तो इसका मतलब है कि उनका थायराइड ग्लैंड से जो है उसका सिक्रेशन काफी कम हो जाता है वैसे हमारे पास गोइटर है आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है दैट इज गोइटर गोइटर अब गोईटर की वजह से क्या होगा जो आसपास का एरिया है जैसे कि ईसोफेगस है ट्रैकिया है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है खाना खाने में सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है ठीक है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होगा ऐसे ही हमारे पास क्रेटिनिज्म है अब क्रेटिनिज्म के अंदर क्या होगा कि डेफिशिएंसी हो जाती है थायराइड हॉर्मोन की कब होगी ये चीजें जो क्रेटिनिज्म होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में ज्यादा देखा जाता है तो ये आपके पास सारे के सारे डिसीजे डिसऑर्डर्स टॉक्सिसिटी सारी चीजें मैंने आपको लिखवाई दी है एक और चीज याद रखिएगा अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रिएट करेगा तो आपकी बॉडी वेट लूज करना शुरू कर देती है क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और अगर थायराइड ग्लैंड में हाइपोथाइरॉयडिज्म होगा तो आपकी बॉडी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है रीजन मेटाबॉलिज्म ठीक है नेक्स्ट सवाल है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोग्युलग्युलेशन का प्रोसेस आपको लिखना है और फैक्टर्स तो है ब्लड फ्लोटिंग का पहले आप लोग जानते ही होंगे कि आपके पास प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक ब्लड फ्लोटिंग फैक्टर होता है जो सबसे पहले कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में ठीक है यहां पर इसको जो कन्वर्ट करवाएगा दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस थ्रोम्बो काइनेस इसके बाद जब ये पूरा थ्रोम्बिन बन जाता है तब ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेगा फाइब्रिन ये थ्रोम्बिन और यही फाइब्रिन फाइनली ब्लड क्लोट बना लेता है ये आपके पास पूरा मैकेनिज्म है ब्लड क्लोटिंग का कैसे कैसे होती है अब बात करते इनके फैक्टर्स की तो आपके पास टोटल नंबर में अगर देखा जाए तो बारह है लेकिन अगर इस तरीके से आप चलोगे तो 13 है क्योंकि आपके पास जो फैक्टर नंबर सिक्स है वो एबसेंट होता है तो टोटल होंगे बारह नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो होते हैं 13। ठीक है चलिए सबसे पहला हमारे पास है फाइब्रिनोजेन जिसका काम है फाइब्रिन में कन्वर्ट करना दूसरा है प्रोथ्रोमिन जो कि थ्रोमिन में कन्वर्ट हो जाता है टिशू थ्रोम्बोप्लास्टिन ये इन वो, वो इन विवो जो कॉगुलेशन होता है यानी आपकी बॉडी के अंदर जो कॉगुलेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर आता है कैल्शियम आयन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फोस्फोलिपिड को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो उसके लिए आपको कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है लेबाइल फैक्टर आ, फैक्टर नंबर फाइव जो लेबाइल फैक्टर होता है ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करेगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर नंबर सेवन जिसको आप स्टेबल फैक्टर के नाम से जानते हैं और यह भी जो फैक्टर नंबर नाइन होता है उसके एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इन विवो फैक्टर नंबर एट है एंटी हीमोफिलिथ फैक्टर यह फैक्टर नंबर टेन को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फैक्टर नंबर क्रिसमस फैक्टर के नाम से जानते हैं आप इसको और यह एक ऐसा फैक्टर है जो कि फैक्टर नंबर को एक्टिवेट uh, करने के लिए होगा और इसकी डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया बी तो इसको आप क्रिसमस डिसीज के नाम से जानते हैं ठीक है क्रिसमस डिसीज इसके बाद है फैक्टर नंबर टेन स्टूअर्ड पावर फैक्टर जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोमिन में कन्वर्ट करवाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा फैक्टर नंबर जहां पर चोट लगती है वहां पर इसका प्रेजेंट होना काफी इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर नंबर ट्वेल्व हेजमेन ये किस किस को एक्टिवेट करेगा देखो सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यूज बनते हैं सवाल ठीक है जैसे कि आपका इलेवन है और सेवेंथ है इनको एक्टिवेट करेगा एंड लास्ट इज फाइब्रीन स्टेबिलाई फैक्टर जब फाइबर्स आपस में जुड़ जाता है ठीक है तो उसके बाद क्या होगा उसको स्टेबल करने के लिए हम इस फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो ये आपके पास सारे के सारे ब्लड फ्लोटिंग फैक्टर्स हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरोन सेल न्यूरोन का एक बहुत ही सही सा लेबल डायग्राम आपको बनाना है तो चलिए ड्रॉ करते हैं फटाफट से सबसे पहले मेन मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक न्यूरोन में क्या क्या चीजें उपस्थित होती है अगर इतना आपको पता है तो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है चलो कुछ इस तरीके से हमारे पास न्यूरोन का स्ट्रक्चर होगा है ना जिसमें ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है सेल बॉडी सेल बॉडी ये होता है न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस के बाद ये जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एक्जोन एंड एक्जोन का जो टर्मिनल है दिस इज कॉल्ड एक्जोन टर्मिनल एक्जोन टर्मिनल ठीक है ये जो आपको इधर ब्रांचेस से दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड एंडराइट ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती है अगर आप देखेंगे डेंड्राइड से और यहीं पर राइबोसोम्स की कुछ बहुत छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती है जिनको आप निसल्स ग्रानुल्स बोलते हैं, है ना? आर निसल्स इसके बाद बारी आती है आपके एक्सोन की एक्सोन के ऊपर कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कुछ इस तरीके से ठीक है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक शीथ है जो कि माइलिन से बनी हुई होती है इसको आप माइलिन शीत के नाम से जानते हैं माइलिन शीत माइलिन शीत में बहुत छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप श्वान सेल्स के नाम से जानोगे दीज आर श्वान सेल्स और जहां पर माइलिन शीत होती है आप देखोगे कि ये कॉन्टीन्यूस नहीं है बीच में से डिस्कॉन्टिन्यूस है तो यही जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है इसको आप बोलते हैं नॉर्ट्स ऑफ रेनवियर Of Ranvier. ये बात हो गई आपके एग्जॉन की एंड फाइनली लास्ट पार्ट है एग्जॉन टर्मिनल जहां पर कुछ इस तरीके से साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर साइनेप्टिक नॉब्स ठीक है इन्हीं साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर फिल्ड होते हैं आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर तो ये है आपके पास एक वेल लेबर्ड एक्सॉन का सॉरी न्यूरॉन का डायग्राम इस तरीके से आपको ड्रॉ करके आना है देखो चांद सितारे लगाने से कोई फायदा नहीं है, है ना कितना ही सुंदर बनाओ आप चार कलर से तीन कलर से एक पेन से बनाओ लेकिन लेबलिंग सही होनी चाहिए ठीक है लेबलिंग अगर सही है तो कोई नंबर नहीं काटेगा अगर लेबलिंग में हल्का सा एरो का भी थोड़ा बहुत चक्कर हो गया तो चीजें गलत हो जाएंगी नंबर कट सकते हैं ठीक है तो इसका खास तौर से ध्यान रखेगा चलो नेक्स्ट सवाल डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर सबसे पहले बात करते हैं कार्डिक आउटपुट के बारे में कि क्या होता है देखिए कार्डिक आउटपुट बेसिकली बहुत सिंपल है एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो कि आपका वेंट्रिकल बाहर की तरफ पंप करेगा एक मिनट में वो उसका कार्डिक आउटपुट होता है ठीक है कार्डिक आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंपिंग आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट ये उसका कार्डिक आउटपुट है कार्डिक आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम तो ये याद रखेगा कि अगर आपको कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको स्ट्रोक वॉल्यूम इन हार्ट रेट करना होता है ठीक है ये फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करने का

यूरिक एसिड क्रिस्टल की वजह से ठीक है जब यूरिक एसिड मेटाबोलाइज होने की बजाय इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जॉइंट में तो यह कॉज कर देता है गाउट ठीक है और ये बीमारी रातों रात होने वाली बीमारी है यानी आप सोए तो बिल्कुल सही थे लेकिन जब आप उठे तो आपके पैर में या कहीं भी किसी भी जॉइंट में आपको बहुत ज्यादा इंटेंस जलन हो रही होगी पेन हो रहा होगा वो गाउट होता है गाउट इज अ कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस दैट कैन

नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर अब ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई सभी को पता है कि ब्लड प्रेशर क्या है मान लो मेरे पास ये आर्टरी है आर्टरी से ब्लड फ्लो कर रहा है अब फ्लो करते दौरान या उन वॉल्स पर उन दीवारों पर एक प्रेशर भी अप्लाई करेगा ठीक है उन दीवारों के अगेंस्ट एक प्रेशर अप्लाई करेगा इसी प्रेशर को आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं ब्लड प्रेशर ठीक है ब्लड प्रेशर के अंदर दो कॉम्पोनेंट होते हैं एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की जिसमें से 120 ट्वेंटी इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और जो 80 होता है दैट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अब ये होंगे क्या इसका मतलब समझो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की ये वो प्रेशर होता है जो कि दो हार्ट बीट्स के बीच वाला जो प्रेशर होगा लोवेस्ट प्रेशर दैट इज डायस्टोलिक और जब आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप करेगा तो उसके दौरान जो प्रेशर वो अप्लाई करता है आपके आर्टरीज के वॉल पर उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ठीक है तो ये आपके पास ब्लड प्रेशर हो गया क्लियर है ये सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन विद लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन तो आपको सबसे पहले अच्छे से डिटेल में ये नंबर पांच नंबर का क्वेश्चन है ठीक है तो अच्छे से डिटेल में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताना है एंड तो उसके बाद आपको नेफ्रोन का एक वेल well लेबल डायग्राम बनाना है ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं अब देखो कैसे होता है यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप्स होते हैं पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रेशन शुरुआत करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन से अल्ट्राफिल्ट्रेशन रीअबॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीन लेयर्स की मदद से होता है पहला है कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ठीक है दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है और तीसरा है पोडोसाइट्स जो कि बोमनस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये मैं मैं लिख देती हूं पोडोसाइट्स ये सेल्स हैं जो कि बोमनस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं ठीक है और ये होता है ग्लोमेर में ग्लोमेर में क्लियर नेक्स्ट स्टेप है ये स्टेप्स हैं इसी तरीके से आपको याद रखना है इसी सीरीज में नेक्स्ट इज भी तीन लेयर्स की मदद से ही होता है पहला है प्रॉक्सिमल कॉम्बिलेटेड ट्रिब्यून दूसरा है लूप ऑफ हेडलिंग और तीसरा है डिस्टल कॉम्बुलेटेड ट्रिब्यूनल इन तीनों के तीनों में दीज थ्री आर रेनर ट्रिब्यूल्स जहां पर आपका ये पूरा प्रोसेस जो रि का है वो होगा एंड थर्ड इज सिक्रेशन सीग्रेशन में भी यही चीजें हेल्प करती हैं जैसे कि आपका पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्विटिव ट्रिब्यूल और दूसरा है डीसीटी ये हेल्प करेगा ठीक है तो ये है यूरिन फॉर्मेशन आपको ऐसे नहीं लिखना है आपको डिटेल में लिखनी है सारी चीजें है ना तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं क्लियर नेफ्रोन का डायग्राम देख लीजिए ये होता है नेफ्रॉन का डायग्राम अब नेफ्रॉन में मेजर दो पार्ट्स होते हैं रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्रिब्यूल रेनल कॉर्पसल में आती है ये वाली चीजें सबसे पहला ग्लोमेरुलस दूसरा बॉम्बेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है बॉम्बंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा इस तरीके से फिर इसके पास वाला जो एरिया होता है ये हाईली कॉन्विलेटेड ये होता है प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्रिब्यूल पास प्रोक्िमल इसके बाद ये लूप जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज लूप ऑफ हेल्ड रेनल ट्रिब्यूल का ही पार्ट है इधर वाली कौन सी होती है डिसेंडिंग नीचे जा रही है और वो ऊपर वाली तरफ जो आ रही है इधर वाली ये होती है असेंडिंग यहाँ पे वॉटर और इलेक्ट्रोलाइट का रिब्सॉर्प्शन होगा एंड थर्ड इज दूर वाली डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्रिब्यून ठीक है तो ये रेनर ट्रिब्यूट के पार्ट है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कलेक्टिंग जहां पर मोर देन वन नेफ्रोन का जो डी सिटी है वो ओपन होता है ठीक है तो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रोन का इस तरीके से ड्रॉ करके आना है नेक्स्ट सवाल राइट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस और के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको लिखना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगा फीमेल में होता है ठीक है इन मेल एंड इट अकर्स इन फीमेल तो नाम से आप लोग जान रहे होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन जेनेसिस का मतलब होता है ओवम का फॉर्मेशन प्रोडक्शन ऑफ द ओवम ठीक so है इन ओवरीज और ये टेस्टीज में चल स्टेजेस क्या क्या है यहां पर जितने भी स्टेजेस है ये सारी के सारी टेस्टिस के अंदर हो जाती है लेकिन जो ऊजेनेसिस का प्रोसेस है वो सारा का सारा ओवरी के अंदर नहीं होता है कुछ ओविडक्ट यानी फिलोपियन ट्यूब के अंदर भी होता है तो सारी की सारी जो स्टेप्स है वो ओविडक्ट में नहीं होंगी दोनों स्टेप्स ये जो ऊजेनेसिस है ये दोनों एरिया में होता है ओविडक्ट और ओवरी दोनों में ठीक है लोकेशन क्या है लोकेशन मैंने आपको अभी अभी बता दी है टेस्टिस में और ये होता है ओवरीज के अंदर ग्रोथ क्या है देखिए जो ग्रोथ होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो बहुत शॉर्ट है शॉर्ट फेज के अंदर सारी चीजें हो जाती है लेकिन ओजेनेसिस बहुत लंबे फेज के अंदर होता है तो ग्रोथ फेज एक्सटेंडेड होगी इन ओजेनेसिस और शॉर्ट होगी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन रेट क्या है स्पर्म्स का फॉर्मेशन मिलियंस की अमाउंट में होता है पर डे लेकिन जो ओवम है वो सिर्फ मंथ में एक बार रिलीज होता है ठीक है तो ओवम रिलीज्ड वंस अ मंथ ड्यूरेशन क्या है हर दिन होगा ये लेकिन ये सिर्फ एक बार होता है ठीक है एक बार होगा सेल डिवीजन कैसा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल सेल डिवीजन होगा और यहां से चार आपको मिलते हैं एंड ऑफ दी यहां पर अनइक्वल डिवीजन होता है रुक रुक के डिविजन होंगे ठीक है और यहां से कितने ओवम बनेंगे एक ही हैप्लॉइड ओवम बनता है और कुछ पोलर बॉडीज मिलती है दो पोलर बॉडीज मिलेंगी तो पूछा जा सकता है कि एक उजेनेसिस के दौरान क्या क्या चीजें मिलती हैं आपका आंसर होगा एक ओवम और दो पोलर बॉडीज मोर्टैलिटी क्या है है ना दिस दिस शुड बी मोर्टैलिटी ठीक है इसको मोटाइल मोटैलिटी होता है यानी कि वो मूव कर सकता है या फिर नहीं तो इसको सर सही कर लीजिएगा स्पर्म्स मोटाइल होते हैं ओवम नॉन मोटाइल होता है ये मूव कर सकते हैं स्विम कर सकते हैं बट जो ओवम है वो पूरी तरीके से नॉन मोटाइल है वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता है ठीक है तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी अब अलग अलग कौन कौन से जॉइंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको भी मैं आ, चार्ट फ्लो के फॉर्म में आपको दिखा रही हूं जॉइंट नॉर्मली तीन तरीके का होता है स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट का तीन ही है सबसे पहला होता है फाइब्रस ज्वाइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं टोटली इमूवेबल इमूवेबल दूसरा हमारे पास जो टाइप है दैट इज साइनोवियल, जो फ्रीली मूवेबल है ठीक है फ्रीली मूवेबल जिसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है और तीसरा है कार्टिलेजिनस जो कि स्लाइटली मूवेबल होता है थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करेगा स्लाइटली मूवेबल ठीक है अब बात करें कि फाइब्रस और कार्टिलेजिनस के तो टाइप्स होते लिए, हैं। लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट है उसके होते हैं छह टाइप जिसमें सबसे पहला हमारे पास जो आता है दैट इज बॉल एंड सॉकेट वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन यही शो करेगा दूसरा आता है हिंज जॉइंट तीसरा है पाइवट इसके बाद ग्लाइडिंग देन सैडल एंड लास्ट इज एलिप्सॉइड या फिर इसी का एक और नाम है कंडाइलॉइड जॉइंट ठीक है तो ये छह टाइप्स है आपके पास साइनोवियल जॉइंट के जो फ्रीली मूवेबल होते हैं और अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल जो बॉल एंड सॉकेट है वो शोल्डर और शोल्डर और पेल्विक जॉइंट में प्रेजेंट होता है ठीक है वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन ठीक है हिंज जॉइंट है ये बैक एंड फ्रोर्थ मूवमेंट ही दिखाएगा और ये एल्बो में प्रेजेंट होता है एल्बो बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ला ठीक है चले तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टमक स्टमक का एक वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है बहुत इजी है मतलब सबसे आसान है कैसे ड्रॉ करना है तो इतना आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है ठीक है ये मानकर चलो कि तुम्हारा स्टमक है अब स्टमक के कुछ चार हिस्से होते हैं जहां पर ये ईसोफेगस सबसे पहले ये लिख लो ईसोफेगस है ठीक है और ये है डोडन चलिए दिस इज हिस्से हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं ये जो उठा हुआ हिस्सा है ठीक है ये जो ऊपर को उठा हुआ हिस्सा है इसको हम पंडस बोलते हैं जहां पर ईसोफेगस ओपन हो रहा है ये वाला हिस्सा इसे इसे कहते हैं कार्डियक दिस इज कॉल्ड कार्डियक यहीं पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको आप कार्डिक स्फिंक्टर के नाम से जानोगे दिस इज और नाम है गैस्ट्रो ईसो फेगियल स्फिंक्टर ठीक है यानी दरवाजा नाम है यहां दरवाजे के बस यहां जो मेन पार्ट होता है जहां पर एक्चुअल आपका डाइजेशन चलेगा दैट इज बॉडी ये पूरा रीजन सबसे बड़ा बॉडी होता है ठीक है एंड इसके बाद जहां पर डुओडेनम है जहां पर डुओडेनम के अंदर ये ओपन हो रहा होगा ये एरिया कहलाता है पाइलोरस ठीक है और पाइलोरस वाले में भी एक स्फिंक्टर एक दरवाजा होता है जिसको आप पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से जानोगे पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लियर ये आपके पास स्ट्रक्चर है स्टमक का ऐसे ड्रो करके आइएगा आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम अब सिंपथैटिक और पैरा नर्वस सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है सबसे पहले देखो क्या क्या डिफरेंस होता है ये दोनों पार्ट है आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जैसे कि सिंपथैटिक का जो असर है डाइजेस्टिव सिस्टम पर वो ये होता है कि वो एक्टिविटी कम कर देगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और पैरासिंपेटिक के अंदर आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अलावा और कुछ नहीं करते रेस्ट एंड डाइजेस्ट ठीक है तो ये कुछ है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम इधर बंद हो जाता है इधर चालू हो जाता है लिवर के अंदर क्या होगा यहां से ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर ठीक है और यहां कोई असर नहीं होता है लंग्स का जो डायलेशन है ब्रोक्योल्स का वो बढ़ जाएगा क्योंकि आपको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना होता है इस समय लेकिन यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है आप रेस्पिरेटरी रेट कम करते हो आप नॉर्मल सांसे लेते हो यूरिनरी ब्लैडर और पे क्या होगा स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं इन सिंपथैटिक और पैरासिंपेथेटिक में रिलैक्सिंग किडनीज का क्या है यूरिन आउटपुट कम हो जाता है सिंपथैटिक कंडीशन में और पैरासिंपथैटिक का कोई असर नहीं होगा हार्ट में बहुत सिंपल है रेट बढ़ जाता है हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सिंपथेटिक में बट पैरासिपथैटिक के अंदर ये डिक्रीज होगा या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मल हो जाता है इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड वेसल पर देखो ब्लड वेसल uh, पर क्या असर होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है ब्लड प्रेशर जब आप बढ़ाओगे तो उसकी वजह से आपको क्या करना होगा आपको उसको जो डायमीटर होता है उसको कम करना होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे आप करेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन ठीक है यहां करोगे डाइलेशन आप कह सकते हैं क्योंकि यहां से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है इसके बाद सेलिवरी और लैक्रिमल ग्लैंड क्या होगा ये सब का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है यानी ड्राई माउथ ड्राई आईज ये कंडीशंस होती हैं सिंपथैटिक में और यहां पर क्योंकि आपको डाइजेशन भी करवाना है तो सलाइवा तो चाहिए एंटीसी के साथ ही साथ टीयर्स का सिक्रेशन भी यहां पर होता है आई की बात करें आई में देखो क्या होगा आपको दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देना शुरू हो जाती है सिंपेटिक में तो उसके लिए आप क्या करते हैं आप डायलेटर मसल को स्टिमुलेट करेंगे एंड इसी के साथ ही साथ प्यपल्स को डायलेट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखों के अंदर रोशनी जाए लाइट जाए और आपको दूर की चीजें क्लियर दिखाई दे लेकिन वहां पर रिलैक्स होगा वहां पर कॉन्स्ट्रक्शन होगा प्यपल का पास की चीजें क्लियरली दिखाई देंगी आई की सिलेरी मसल्स पर क्या असर होगा इनहिबिट करेंगे जिसकी वजह से बल्जिंग ऑफ आई जो होता है लेंस जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है डिस्टेंट विजन में आपको ये हेल्प करेगा और वो नियर विजन जो होता है क्लोज विजन होता है उसको क्लियरली देखने में हेल्प करता है पर क्या असर होगा अड्रीनल मेड्यूला जो अड्रीनल ग्लैंड का जो अंदर वाला हिस्सा होता है तो बट पैरासिंपैथेटिक में कोई असर इनका नहीं होगा तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में अगर आप इस तरीके से भी करके आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तो हार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेरे हिसाब से आएगा ही तो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से करके जाइएगा देखिए कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है जिसके अंदर क्या क्या लेबल करना है ये मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को जरूर आपको लेबल करके आना है ये सेप्टम होता है जो कि डिवाइड करेगा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को ठीक है इसके बाद दिस इज अरोटा ये पल्मोनरी वेन है आपके पास यहां से जो आपकी अरोटा होती है है जो अरोटा के जो जो आपके एक्सटेंशंस होते हैं यही आपके आर्टरीज होती हैं जैसे कि ये जो आपके पास आर्टरी है यहां पर ब्लड आता है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है और वैसे ही यहां से ब्लड जाता है बाहर वाली तरफ जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा यानी ये जो आपका ब्लू वाला दिखाया गए हैं ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड और ये जो रेड वाला दिखाया गया है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है इसके बाद सुपीरियर एंड इनफीरियर वेना का आप शो कर सकते हैं अरोटा आप शो कर सकते हैं डिसेंडिंग अरोटा अगर आपको कंडक्शन सिस्टम भी के अंदर दिखाना है तो आप उसको दिखा सकते हैं यानी मेरा आपसे ये कहना है कि हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करके जाइएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है ठीक है कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अंदर से इंटेंशन आती है कि ये सवाल आएंगी ये है वो वाला क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप तो डिस्कवर किसने किया था ब्लड ग्रुप को कार्ल लेंस्टीनर कार्ल लेंस्टीनर ठीक है इसके बाद बात करते हैं कि आपके अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं ना आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे पास सिर्फ चार तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी एंड ओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर सेम एंटीजन पाएगा एंटीबॉडी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी बी में बी एंटीजन एंड ए एंटीबॉडी ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा और ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी अब किस किस को डोनेट कर सकते हैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं ए वालों को तो कर ही सकती हूँ बाकी मैं ए बी ब्लड ग्रुप वालों को भी डोनेट कर सकती हूँ वैसे ही बी के साथ है जिनका ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी और ए बी दोनों को डोनेट कर सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सिर्फ ए बी वालों को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर पाएंगे वो किसी दूसरों को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं सबको ब्लड डोनेट कर सकती हूँ चाहे उनका ब्लड ग्रुप ए बी ए बी या ओ कुछ भी हो ठीक है अब किस किस से रिसीव कर पाएंगे देखो ओ तो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है तो ओ से सब कोई ब्लड रिसीव भी कर पाएगा ए ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ अपने बिरादरी वालों से ब्लड रिसीव कर पाएंगे बी वाले सिर्फ बी से इसके बाद जो ए बी होता है वो होता है यूनिवर्सल रेसिपियंट तो ओ ए बी ए बी चाहे किसी का भी ब्लड वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकते हैं और ओ ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ अपनों से ब्लड रिसीव करेंगे ठीक है रीजन यही है क्योंकि कोई एंटीबॉडी ए बी में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो यूनिवर्सल यूनिवर्सलेंट और क्योंकि कोई एंटीजन ओ में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो यूनिवर्सल एडोनर यूनिवर्सलर ठीक है तो ये आपके पास है पूरा का पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम गिवन बाय कार्ल बाई क्लियर चलो अगला सवाल समराइज द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ये आपको बताना है ठीक है चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसकी बाद आपकी बॉडी मूव करती है मान लीजिए मुझे अपना हाथ मूव करना है तो इसके लिए जो जॉइंट है यहां पर होते हैं स्केलेटल मसल्स जिनके अंदर ये कॉन्ट्रेक्शन चल रहा होगा एक्टिन और माइसिन की हेल्प से है ना जब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है तभी मैं अपना हाथ मूव कर पाती हूँ ठीक है चलो सबसे पहले क्या होगा कि जो मोटर न्यूरॉन है वो एक मैसेज भेजेंगे न्यूरो के थ्रू फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मसल मेम्रेन ठीक है सबसे पहले तो यही होगा एक मैसेज जनरेट किया जाएगा उसके बाद ये जो मैसेज पहुंचेगा ये केमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट करेगा उनको ट्रिगर करेगा ठीक है उनको स्टार्ट करेगा इसके बाद क्या होगा कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं मसल के साइटोप्लाज्म में ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हर जगह चाहिए होता है इसके बाद इंक्रीज इन दीज आयंस है एंड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स टू जॉइन द माइसिन फिलामेंट एक्टिन और माइसिन आपस में जॉइन होते हैं ठीक है माइसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है जहां पर वो जाकर बाइंड हो जाएगा एंड इसके बाद जो रिएक्शन होगा इसकी मदद से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज द एक्टिन फिलामेंट्स आर पोल्ड क्लोजर टू ईच अदर ठीक है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होते ही आपकी बॉडी मूव कर जाएंगी इसके बाद एज एज द द मैसेज ऑफ नर्वस सिस्टम इज नो लॉन्गर प्रेजेंट और जैसे ही आपका ब्रेन मैसेज देना बंद कर देगा तो ये पूरा प्रोसीजर रुक जाएगा ठीक है सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा जिसकी मदद से आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स पोजिशन में आ जाएंगी मतलब जैसे पहले थी वैसे हो जाएंगे और आपकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है ठीक है चलो नेक्स्ट <clears> क्वेश्चन <throat> है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ लिम्फ अब लिम्फ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको बात करनी है तो सबसे पहला जो इसका काम है वो ये है कि ब्लड के सेल्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ठीक है इट हेल्प टू कीप द बॉडी सेल मॉइस्चराइज इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिय वेरियस सेक्शन ऑफ द बॉडी सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑल्सो एलिमिनेट मेटाबोलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल तो इनका काम मतलब ऑक्सीजन को और भी दूसरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना भी है साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट इन टू द ब्लड स्ट्रीम ये कुछ मेजर फंक्शन आपके पास लिम्फ के तो इनको आप लिख कर आ चाहिए क्लियर चलो अगला सवाल क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विद देयर फंक्शंस तो आपकी बॉडी में कितने टिश्यूज होते हैं चार उनके फंक्शन के साथ क्लासिफाई करना है ठीक है चलिए सबसे पहला हमारे पास होता है एपिथिलियर टिश्यू एपिथिलियर टिश्यू जो बाहरी सतह को कवर करता है ठीक है इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं पहले वो सुन लीजिए प्रोटेक्शन सिक्रीशन एब्सॉर्बन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन इन सब में हेल्प करेगा जो एपिथिलियर टिश्यू है ओरिजिन में एक्टोडर्मिक मिजोडर्मिक एंडोडर्मिक सारे ओरिजिन होते हैं इसके दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि नाम से आप लोग जान रहे हैं इसका काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करना सपोर्ट प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उसके बाद स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन इन सब का काम करता है नेक्स्ट हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेगा ठीक है अलग अलग चीजों के जैसे कि मानकर चलिए मस्कुलर टिश्यू तीन तरीके का होता है पहला स्केलेटल जो मैंने अभी अभी आपको बताया दूसरा होता है स्मूथ और तीसरा होता है कार्डियक ठीक है इसके बाद लास्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू का काम है आपकी बॉडी में जितने भी इंपल्स कोऑर्डिनेशन होते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन होते हैं सबका कंट्रोल करना सब कुछ अपने हिसाब से चलाना कंट्रोलिंग सिस्टम आपकी बॉडी का ठीक है दैट इज न्यूर्वन सिस्टम या फिर न्यूरोन क्लियर तो यह आपके पास है चारों के चारों टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू विद देयर फंक्शंस नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डिक एंड स्मूद मसल अब कार्डिक और स्मूद मसल के बीच में क्या डिफरेंस है यह आपको बताना है ध्यान रखिएगा कि कार्डिक स्मूद के साथ साथ ये सवाल स्केलेटल के लिए भी आ सकता है तो आपको तीनों के बीच में डिफरेंस जरूर करके जाना है ठीक है खैर हम लोग बात करते हैं कार्डिक एंड स्मूद मसल की तो इनकी कुछ खासियत है फॉर एग्जाम्पल कार्डिक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती है बट जो स्मूथ मसल्स है वो आपके होलो ऑर्गन जैसे कि आपके खाली ऑर्गन होते हैं उनकी दीवारों के ऊपर पाई जाती है फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन है ब्लड वेसल है ब्लैडर यूट्रस इन सारी ऑर्गन के जो दीवार होती है वॉल होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल इसके बाद स्ट्रक्चर कैसा होगा कार्डिक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रिएटेड होगा यानी एक्टिन और मायोसिन के कुछ स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेटिव ब्रांड प्रेजेंट होते हैं And of branched cells connected by intercalated ये इनकी होगा जो इंटरक्शन है। है इसके बाद ये नॉन स्ट्रिएटेड हैं। इनके अंदर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस भी होगा ठीक है देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होगा जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती है ना बिल्कुल वैसा ठीक है और अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की ये होता है स्पिंडल कुछ इस तरीके का ऐसी ठीक है तो ये याद रखेगा फंक्शन क्या है ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करेगा और वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा कंट्रोल ट्रली कंट्रोल होगा दोनों इनवॉलेंट्रली कंट्रोल होते हैं हमारी हमारा जो ब्रेन है इनको कंट्रोल नहीं कर पाता है अगर आप बात करें कार्डिक मसल की स्मूथ मसल्स की तो हमारा ब्रेन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता ये अपने हिसाब से काम करते हैं अपियरेंस कैसा होगा सेल्स छोटी होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होगा एंड अदर स्टेशन आर लेस और अगर हम बात करें इनकी तो यहां पर जो सेल्स होती है वो इलांगेटेड होंगी टेपर्ड एंड होते हैं यानी कि बीच में से तो थोड़ा सा थिक और थिनर एंड्स होते हैं उनको एंड बोला जाता है क्या है डिफरेंस बिटवीन कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल ठीक नेक्स्ट सवाल शॉर्ट अबाउट ब्लड सेल अब व्हाइट ब्लड सेल का क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें लिखनी है तो शुरुआत करते हैं अगेन सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आरबीसी का भी इंपॉर्टेंट है ये सिंपल वो आपसे कह देंगे राइट अबाउट ऑल द ब्लड कॉम्पोनेंट ठीक है अब इसमें प्लाज्मा प्लेटलेट आरबीसी डब्ल्यू सारी चीजें आ जाती है तो उसको अच्छे से करके जाइएगा ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं आपके डब्ल्यू से तो डब्ल्यू यानी व्हाइट ब्लड सेल दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट ग्रेन्युलोसाइड में तीन चीजें आती हैं जिसमें सबसे पहला होगा न्यूट्रोफिल अराउंड सेवेंटी परसेंट प्रेजेंट होगा टोटल डब्ल्यू में ओरिजिन बोन मैरो है सबका ओरिजिन बोन मैरो ही है काम है bacteria phagocytosis. ठीक है काम बैक्टीरिया ठीक अगर बात करें इसके लोब्स की मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होगा और उस तरीके से आप देख पाते हैं ठीक है नेक्स्ट इज योसिनोफिन ये नहीं है ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है आरबीसी का स्ट्रक्चर है तो उसको सही कर लो चलो इनोफिल अमाउंट 1.5 परसेंट होता है वही ओरिजिन तो इसका काम क्या है ये प्रॉपर्टी शो शो करेगा ठीक है Allergic responses शो करता है एलर्जिक करता और एंटीहिस्टोमिन प्रॉपर्टीज भी शो करेगा इसके अंदर बायलोब न्यूक्लियस होगा ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है बेसोफिल जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ये भी ग्रेन्युलोसाइट ही है ठीक है ग्रैन्यूल्स होंगे और मैरो में ही बनेगा हिस्टोमिन एलर्जिक कंडीशन में ये जनरेट करता है और एस शेप्ड इसका न्यूक्लियस होगा ठीक है इसको याद रखें मोनोसाइट्स यहां से शुरू हो जाता है आपके पास ये दो ए ग्रान्युलोसाइट ए ग्रान्युलट जिसमें पहला आएगा मोनोसाइट 28 परसेंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसी में और जो लिंकोसाइट है वो 24 परसेंट होगा टोटल डब्ल्यूबीसी में इसका तो ओरिजिन बोन मैरो ही है बट अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की वो बोन मैरो तो तो में, में तो बने गई साथ ही साथ लिम्फोइ टिश्यूज और स्प्लीन है वहां पर भी बनता है थाइमस भी बनता है ठीक है चलिए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट का, का काम है और इसका काम वही है जैसे आपने अभी अभी पढ़ा न्यूट्रोफिल का काम फेगोसाइटोसिस वो ही मोनोसाइट्स का भी काम होता है ठीक है यहां पर बीन शेप न्यूक्लियस होगा ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं न्यूक्लियस होता है Bean shaped, और यहाँ का न्यूक्लियस बड़ा होगा ओवल होता है शेप में यह आपके टाइप ऑफ डब्लू बी सी विदर फंक्शन विद स्ट्रक्चर ठीक है लास्ट सवाल हमारे पास है डिफाइन स्कैलेटन नेम द बॉन्स ऑफ एक्सल एंडुलर स्केलेटन सिस्टम डिफाइन कर लेना ईजी है स्कैलेटन सिस्टम वो होता है जो कि आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है ठीक है हम डिस्कस करते हैं एक्सल एंड पेंडिक्यूलर की बोन्स आप लोग जानते हैं कि आपके पास टोटल टू जीरो जिनको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो एक्सियल जिसके अंदर टोटल 80 बोन्स आती है और दूसरा पेंडिक्युलर जिसके अंदर 126 ट्वेंटी सिक्स बोन्स आती है ठीक है चलिए तो सबसे पहले एक्सियल में जो बोन्स आएंगे वो आएगी आपके इधर क्रेनियम की जिसमें फ्रंटल पेराइटल उसके बाद टेम्पोरल ऑक्सीपिटल स्फिनोइड एंड एथमोइड ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो आ, आता है is, आ, फेस की बोन्स जैसे कि मैंडिबल जाइगोमैटिक बोन नेजल नेजल एंड यहीं पर ही एक और बोन होती है जिसको आप हाईड बोन के नाम से जानते हैं इंडिपेंडेंट बोन पूरी इकलौती बोन ठीक है जो इंडिपेंडेंट है किसी के साथ ज्वाइन नहीं करती इन के अंदर तीन तीन होती है मेलियस इनकासेंट स्टेपिस तो ये मिलकर बनाता आपका सिस्टम ठीक है इसी के साथ एक और चीज है जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है टोटल ट्वेंटी सिक्स होती है सर्वाइकल थोरेसिक सेक्रल लुम्बार एंड कॉकिक्स एंड लास्ट इज स्टर्नम एंड रिप्स स्टर्नम एक होता है रिप्स होती है बारह पेयर्स यानी ट्वेंटी फोर जैसे शुरुआत वाली होती है ट्रू सात फिर आती है फॉल्स जो होती है तीन पेयर्स की बात कर रही हूं एंड लास्ट वाली जो दो पेयर होते हैं वो है फ्लोटिंग तो दो है ना पेयर्स फिर इसके बाद बारी आती है स्केलेटल सिस्टम की जिसमें टोटल बोन्स होंगी वन 126, ट्वेंटी 126, जिसमें पहला है पेक्टोरल गार्डन जिसमें स्कैपुला और क्लेविकल होता है उसके बाद अपर लिम्स में ह्यूमरस रेडियस अल्ना ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस कार्पल मेटाकार्पल मेटाकार ठीक है टोटल बोन्स होती है थर्टी ईच इधर भी तीस इधर भी तीस लास्ट हमारे पास है पेल्विक गार्डल पेल्विक गार्डल में दो बोन्स होती है कॉक्सल बोन्स इन्हीं कॉक्सल बोन्स को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो एक इस्ट्रियम दूसरा इलियम और तो तीसरा प्यूबिस ठीक है दो कॉक्सल बोन्स एंड पैर में भी कुछ इसी तरीके से तीस हड्डियां होती हैं तीस बोन्स इच इधर और भी इधर भी फीमर था, आपकी था लॉन्गेस्ट बोन टिबिया नी कैप होता तार्सल, तार्सल, है है तो ये ये टार्सल एंड ठीक तो थे आपके पास टोटल फॉर एग्जाम आई होप कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ आपको तभी मिल पाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए एंड थैंक यू